नमस्कार आज की इस वीडियो में हम प्रीवियस ईयर में आए हुए ऐसे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसे मैं बहुत ही इजी और बेसिक ट्रिक से आपको बताऊंगा तो चलिए शुरू करते हैं तो देखिए दोस्तों हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर वन द स्पीड ऑफ थ्री कार इन द रेशियो ऑफ टू रेशो थ्री रेशियो फोर द रेशियो ऑफ रिस्पेक्टिव टाइम टेकन बाय द कार टू ट्रैवल द सेम डिस्टेंस इस क्वेश्चन में हमें देखिए दोस्तों स्पीड स्पीड का रेशियो दिया गया है स्पीड का रेशियो क्या है टू रेशो थ्री रेशो फोर और हमें क्या पूछा है टाइम का रेशियो पूछा है हमें क्या पूछा है टाइम का रेशो... अगर इस क्वेश्चन में अगर दोस्तों आपको इस प्रकार का क्वेश्चन पेपर में आता है तो आपको पता है कि स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल देखिए हमारे पास फॉर्मूला है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम ठीक है दोस्तों स्पीड इज इक्वल टू हमारे पास क्या फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम तो हमें पता है कि स्पीड इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम ठीक है अगर स्पीड बढ़ेगी तो टाइम घटेगी टाइम घटेगी तो स्पीड बढ़ेगी ठीक है दोस्तों इतना आपको पता है तो हमें क्या कर देना है यहाँ पर इसका एलसीएम ले लेना है जैसे हमें सबसे पहले जो स्पीड में हमें रेशो दिए गए हैं इसका एलसीएम लेना है अब देखिए टू रेशो थ्री रेशो फोर इसका एलसीएम कितना आएगा दोस्तों जैसे टू थ्री और फोर का एलसीएम कितना आएगा अगर आप निकालेंगे तो देखिए दोस्तों इसका एलसीएम आएगा हमारा बारह हमारा एल्सियम कितना आएगा बारह आएगा फिर क्या करना है दोस्तों एल्सियम से इन्हें डिवाइड कर देना है देखिए कैसे मैं बताता हूं जैसे देखिए दोस्तों टाइम आपको निकालना है तो टाइम ये है टाइम वन होगा तो वो क्या होगा देखिए जैसे ये इस टू दूसरा टाइम और तीसरे टाइम का फिर हमें क्या करना है बारह बारह ऊपर लिख देना है जैसे बारह एलसीएम बारह एलसीएम लिख देना है और जो स्पीड है जैसे आपको पता है कि अगर मैं इसे चेंज करूँगा तो टाइम इधर आ जाएगा और स्पीड इधर आ जाएगी ठीक है दोस्तों तो हम क्या करेंगे जो भी स्पीड का रेशियो है जैसे यहाँ पर टू है तो यहाँ पर पहले टू लिख देंगे फिर दूसरे कार का रेशियो स्पीड का क्या है तीन है तो तीन लिख देंगे फिर चार है तीसरे कार का तो हम चार लिख देंगे तो देखिए दोस्तों हमारे टाइम का रेशियो इसमें से आसानी से निकल जाएगा देखिए इसे हम काटेंगे कितना आ जाएगा सिक्स इसे काटेंगे तो कितना आ जाएगा फोर और इसे काटेंगे तो कितना आ जाएगा तीन तो हमारे रेशियो कितना आ गया दोस्तों टाइम का सिक्स रिज फोर रिज थ्री तो ये क्या है दोस्तों हमारे क्वेश्चन का आंसर है ठीक है दोस्तों यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है जो ऑप्शन नंबर हमारे थर्ड में इस प्रकार में आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है दोस्तों अगर इसमें टाइम आएगा या स्पीड आएगा दो आ सकते हैं तो हमें पता है दोस्तों कि स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस एंड स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम और हमें अभी टाइम पूछा है तो हम क्या कर देंगे स्पीड और टाइम को क्या कर देंगे इंटरचेंज कर देंगे अपनी इसमें से फिर हम क्या करेंगे स्पीड का हम क्या निकालेंगे एल सी एम निकाल लेंगे और टाइम क्या होता है कि डिवाइड में क्या होता है देखिए अगर ये इधर चले जाएगा तो स्पीड डिवाइड में आएगी तो स्पीड का हम क्या कर देंगे रेशो लिख देंगे और एल सी एम से उसे डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों इसका रेशो आ जाएगा टाइम का तो ये था क्या था दोस्तों हमारा क्वेश्चन का आंसर था बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकेंड वॉट इज द नंबर ऑफ डिवाइजर ऑफ वन ट्वेंटी इस क्वेश्चन में आपको नंबर ऑफ़ डिवाइजर फाइंड करना है वन ट्वेंटी के ठीक है दोस्तों तो इस क्वेश्चन में आप डायरेक्टली ऑप्शन से भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने की कुछ आवश्यकता नहीं है आप ऑप्शन से ही सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि इसमें आप देखिए कि हमें पता है कि नंबर ऑफ डिवाइजर जो स्क्वायर नंबर्स होते हैं उनका जो नंबर होता है वो ऑड नंबर आता है और जो भी हमारे नॉन स्क्वायर नंबर होते हैं अगर उनका अगर हम डिवाइज़र करेंगे अगर हम उनका डिवाइज़र निकालेंगे, तो वो हमारे इवन नंबर में आता है देखिए दोस्तों 120 हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ठीक है 120 हमारा परफेक्ट इवन नंबर्स में आएगी मैं आपको टोटली इसमें सॉल्व भी करके दिखाऊँगा आपको ऑप्शन से भी आना चाहिए तो देखिए दोस्तों ये नहीं होगा ये हो सकता है ठीक है ये हो सकता है ये नहीं होगा क्योंकि इसका ऑड नंबर आ रहा है और हमें क्या है दोस्तों यहाँ पर इवन नंबर फाइंड करना है ये भी देखिए दोस्तों ये भी नहीं होगा ये भी ये भी नहीं होगा दोस्तों तो 120 के जो आंसर आएगा दोस्तों वो 16 आएगा ये डायरेक्टली आप ऑप्शन से निकालेंगे क्योंकि जो भी परफेक्ट स्क्वायर होता है उसके जो डिवाइज़र होते हैं उसका स्क्वायर का तो उसके ऑड नंबर्स आते हैं और जो भी हमारा नॉन परफेक्ट स्क्वायर होता है उसके जो डिवाइज़र आते हैं वो ईवन नंबर्स में आते हैं ठीक है दोस्तों तो इवन नंबर एक ही था तो ये हमारा आंसर है पर हम क्या करते हैं दोस्तों अब मैं आपको इसे बेसिक से सॉल्व करके दिखाता हूँ तो देखिए दोस्तों हम कैसे सॉल्व करेंगे 120 ऐसे लिखेंगे तो सबसे पहले हम इसे फैक्टर्स निकालना शुरू कर देंगे तो 1 इंटू वन ठीक है दोस्तों फिर 2 इंटू सिक्सटी फिर उसके बाद थ्री इंटू फोर्टी फिर उसके बाद देखिए दोस्तों फोर से जाएगा हाथ फोर इंटू थर्टी फाइव से जाएगा हाँ फाइव से जाएगा कितने बार जाएगा देखिए दोस्तों यहाँ पर चौबीस बार फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो आगे देखिए दोस्तों फाइव uh, से जाएगा सिक्स से हाँ सिक्स से जाएगा ट्वेंटी बार फिर उसके बाद सेवन से नहीं जाएगा एट से एट से जाएगा पंद्रह बार फिर उसके बाद नाइन से नाइन से नहीं जाएगा फिर टेन से टेन से जाएगा बारह बार और फिर ट्वेल्व से नहीं जाएगा तो देखिए दोस्तों इसमें क्या करना है हमें इन दोनों का नंबर ऐड कर देना है जैसे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोरटीन फिफ्टीन सिक्सटीन देखिए दोस्तों ये क्या है ये सब इसके डिवाइजर हैं जैसे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एट टेन ट्वेल्व फिफ्टीन ट्वेंटी ट्वेंटी फोर थर्टी फोर्टी और ये सिक्सटी ये क्या है दोस्तों इनके डिवाइजर है अब हम इसे जब भी नंबर्स हम अगर देखेंगे कितने नंबर्स है तो देखिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन अलेवन ट्वेल्थ थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन और लास्ट में वन ट्वेंटी में लिखना भूल दिया था दोस्तों ये वन ट्वेंटी तो ये देखिए दोस्तों ये सब मिला के कितने होते हैं ये सब मिला के हमारे सोलह डिवाइज़र होते हैं वन ट्वेंटी के तो ये क्या है दोस्तों इस क्वेश्चन का हमारा आंसर कितना है दोस्तों इस क्वेश्चन का हमारा आंसर है सिक्सटीन तो ये बेसिक है दोस्तों पर आपको याद रखना चाहिए कि जो परफेक्ट स्क्वायर होता है उसके जो भी डिवाइज़र होते हैं वो हमेशा ऑड नंबर्स में होते हैं और जो भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर होता है उसके जो डिवाइज़र होते हैं वो हमेशा इवन नंबर्स में होते हैं तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड अ क्यूब ऑफ वॉल्यूम थ्री टू फोर सेंटीमीटर क्यूब इज़ मोल्टेड इन टू अ क्यूबॉइड हुज लेंथ विद एंड हाइट आर इन द रेशियो ऑफ थ्री रेशो टू रेशो टू फाइन द लेंथ ऑफ क्यूबॉइड अब देखिए इस क्वेश्चन में आपको करना क्या है इसमें हमें क्या दिया गया है दोस्तों कि क्यूब का जो वॉल्यूम है क्यूब का जो वॉल्यूम है वो थ्री टू फोर सेंटीमीटर क्यूब है ठीक है दोस्तों ये क्यूब का वॉल्यूम है और हमें क्यूब का वॉल्यूम पता है दोस्तों क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट ठीक है दोस्तों लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट क्या होती है हमारा वॉल्यूम का फॉर्मूला है क्यूब का ठीक है फिर उसके बाद क्या कर रहा है इज मोल्टेड इन टू हाइट आर इन द ऑफ देखिए दोस्तों ये क्या कर रहा है कि ये था हमारे पास आप मान लीजिए हमारे पास एक क्यूब था इसे हमने मोल्ड किया और एक क्यूबॉर्डल शेप में उसे बना लिया क्यूबॉर्डल शेप क्या होता है दोस्तों कि जिसके हाइट लेड होती है वो सेम नहीं होती जैसे क्यूब क्या होता है दोस्तों जैसे स्क्वायर होता है जैसे स्क्वायर में हर साइड क्या होती है दोस्तों सेम होती है वैसे क्यूब में क्या होता है कि जो हर साइड होती है वो सेम होती है ठीक है क्यूब क्या होता है थ्री में होता है और स्क्वायर टू में होता है ठीक है क्यूब थ्री में होता है तो उसके जितने भी साइड्स होगे वो क्या होगा दोस्तों वो इक्वल लेंथ के होंगे हर साइड क्या होगा इक्वल लेंथ के होंगे अब क्यूबर क्या होता है जिसमें लेंथ विध और हाइट जो हो सकती है वो चेंज भी, भी हो सकती है या सेम भी हो सकती है ठीक है तो हम उसे क्यूबॉर्डल कहते हैं अब वॉल्यूम क्या होता है दोस्तों अगर क्यूब का अगर हम मोल्टेड है उसे अगर हम मोल्टेड भी करेंगे तो वॉल्यूम कभी चेंज नहीं होगा ठीक है दोस्तों वॉलीम कभी चेंज नहीं होगा तो वॉल्यूम क्या होगा कि हम क्यूब को अगर क्यूबॉयड में भी चेंज करेंगे उसे मोल्ड भी करेंगे जैसे ये क्यूबॉयड है दोस्तों तो उसका जो लेंथ हो उसका जो वॉल्यूम होगा दोस्तों वो कभी चेंज नहीं होगा ठीक है वॉल्यूम कभी चेंज नहीं होगा ये देखिए ये क्यूबॉर्डल है क्यूबोर्ड है उसका कभी वॉल्यूम चेंज नहीं होगा वॉल्यूम हमेशा सेम रहेगा तो देखिए दोस्तों ये जो हमारा रहने वाला है ये वॉल्यूम तो सेम रहने वाला है ठीक है वॉल्यूम तो हमारा सेम ही रहेगा तो हम वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉयड लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉयड देखिए दोस्तों उसमें भी क्या होगा लेंथ इंटू वीड इंटू हाइट होने वाला है लेंथ ब्रेट इंटू हाइट होने वाला है तो इसमें यहाँ पर हमें रेशो दिया गया है अब रेशो है तो हम क्या कर देंगे जैसे देखिए वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉयड तो हमें पता है कि वो सेम रहने वाला है तीन सौ चौबीस ही रहेगा फिर उसके बाद हमें लेंथ दी गई है थ्री तो हम थ्री इंटू क्या कर देंगे एक्स कर देंगे और फिर क्या कर देंगे मल्टीप्लाई का साइन क्योंकि देखिए दोस्तों लेंथ इंटू ब्रेड इंटू हाइट होगी तो टू इंटू हम क्या कर देंगे एक्स कर देंगे फिर तो उसके बाद थ्री इंटू क्या कर टू इंटू क्या कर देंगे एक्स कर देंगे अब क्या करेंगे इसका थ्री टू फोर अब इसे मल्टीप्लाई कर दे थ्री इंटू क्या होता है टू क्या होगा सिक्स होगा सिक्स इंटू टू क्या होगा ट्वेल्व हो जाएगा ट्वेल्व और एक्स इन वन एक्स वन और थ्री एक्स का क्यूब हो जाएगा ठीक है दोस्तों ये एक्स का क्यूब हो जाएगा अब हमें क्या करना है थ्री टू फोर डिवाइड बाय बारह कर देना है और एक्स का क्यूब निकालना है अब जब हम इसे डिवाइड करेंगे देखिए दोस्तों हम डायरेक्टली करेंगे वन सा ट्वेंटी फोर टू और कितना कैरी बचा दोस्तों फिर वहाँ पर एट कैरी बचा तो ये कितना आ जाएगा सेवन तो देखिए दोस्तों एक्स क्यूब कितना आ जाएगा देखिए ट्वेंटी सेवन अब हमें क्या पूछा है दोस्तों फाइंड द लेंथ ऑफ क्यूब ठीक है तो एक्स की वैल्यू सबसे पहले यानी हमें लेंथ ऑफ क्यूबोर्ड तो थ्री एक्स की वैल्यू हमें फाइंड करना है ठीक है दोस्तों लेंथ ऑफ क्यूबर्ड क्या है थ्री एक्स थ्री एक्स यानी हमें थ्री एक्स की वैल्यू फाइंड करना है दोस्तों ठीक है हमें थ्री एक्स की वैल्यू फाइंड करना है अब हमें सबसे पहले एक्स की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी एक्स कितना आएगा दोस्तों यहाँ पर आ, ये थ्री आ जाएगा तो हमारा हमारा क्या है क्यूबॉर्ड लेंथ ऑफ क्यूबॉर्ड क्या है थ्री इंटू एक्स है तो थ्री इंटू क्या हो जाएगा एक्स की वैल्यू थ्री है तो ये कितना हो जाएगा ये नाइन सेंटीमीटर हो जाएगा ठीक है दोस्तों ये हमारा नाइन सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा दोस्तों इस वीडियो में हमने थ्री, थ्री क्वेश्चन सॉल्व किए हैं जो हमारे आर आर में आए हुए क्वेश्चन थे अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए मिलते हैं अगले वीडियो में नमस्कार